नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज मॉगर। तो चलिए दोस्तों, आज की 10 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। तो दोस्तों, पहला खबर है सुशांत पर बनने वाली 4 फिल्मों पर रोक की मांग। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने सुशांत के पिता की याचिका खारिज की। उनके वकील ने परिवार की छवि खराब होने की दलील दी थी। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने सुशांत की लाइफ पर बनने वाली 4 फिल्मों के निर्माण और रिलीज पर रोक लगाने की मांग की थी। तो इन फिल्मों में न्याय द जस्टिस, सुसाइड और मर्डर, ए स्टार वाज लास्ट, यशांक और एक अनाम फिल्म शामिल है। तो याचिका में सुशांत के पिता जो है कृष्ण किशोर सिंह ने फिल्मों में उनके बेटे के नाम या उससे मिलते जुलते पात्रों के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की थी। बीएसएफ ने भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ करने की जो है चीनी नागरिक को पकड़ा। तो पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास से एक चीनी नागरिक को पकड़ा गया है। तो सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने बताया है कि मालदा जिले में सीमा पार कर भारतीय क्षेत्र के घुसपैठ कर रहा था। तो चूँकि वह जो है हिंदी अंग्रेजी नहीं जानता था, इसलिए पूछताछ में देरी हो रही है। उसके पास से 200 चीनी पासपोर्ट, बांग्लादेशी वीजा, लैपटॉप और 3 मोबाइल फ़ोन सिम कार्ड मिले हैं। इन राज्यों में अगले 2 दिनों में होगी भारी बारिश। तो दोस्तों, मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में पश्चिम बंगाल, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में भारी बारिश की संभावना जताई है। तो महाराष्ट्र में मानसून की वजह से भारी बारिश हो रही है। यूपी में कोविड-19 मरीज को 90,000 में बेची गई नकली 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन, तो लगाने के बाद हुई मौत। तो दोस्तों, बरेली उत्तर प्रदेश में कोविड-19 संक्रमित एक शख्स की रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाने के बाद मौत होने का मामला सामने आया है। तो बतौर खबर जो है, परिजन ने कोविड-19 संक्रमित शख्स के लिए 90,000 में 2 इंजेक्शन खरीदे थे, जो औषधि विभाग की जांच में नकली पाए गए हैं। तो SSP रोहित सिंह सजवाड़ के मुताबिक मामले में 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। महामारी के बीच अगले जो है 2 से 3 माह में देश में करीब 18 ऑक्सीजन प्लांट लगवाएंगे दोस्तों सोनू सूद। तो दोस्तों, अभिनेता सोनू सूद ने बुधवार को एक वीडियो ट्वीट कर कोविड-19 महामारी के बीच देश भर में करीब 18 ऑक्सीजन प्लांट लगवाने का ऐलान किया है। तो वीडियो में उन्होंने कहा कि आगामी 2.5 से 3 माह देश के जो है 15 से 18 विभिन्न हिस्सों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। इन प्लांट के लगने के बाद कोई भी गरीब ऑक्सीजन की कमी से जान नहीं गंवाएगा। जेम्स एंडरसन बने सर्वाधिक टेस्ट मैच खेलने वाले इंग्लिश क्रिकेटर। तो तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के लिए सर्वाधिक टेस्ट मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तो इंग्लैंड न्यूजीलैंड के बीच जारी मैच 38 वर्षीय एंडरसन का यह जो है 162वां टेस्ट है और उन्होंने पूर्व इंग्लिश कप्तान एलेस्टर कुक को पीछे छोड़ा है, जिन्होंने 161 टेस्ट खेलने के बाद संन्यास लिया था। तो एंडरसन सर्वाधिक टेस्ट विकेट 616 लेने वाले तेज गेंदबाज हैं। किसी ने दोस्तों मदद नहीं की, तो तस्वीर में कोविड-19 पॉजिटिव ससुर को पीठ पर उठाए दिखी महिला। तो एक वायरल तस्वीर में कोविड-19 संक्रमित ससुर को अपनी पीठ पर उठाए दिखी असम के जो है नगांव गांव की 24 वर्षीय निहारिका दास ने कहा है कि लोग घूरते रहे लेकिन किसी ने मदद की पेशकश नहीं की। उन्होंने कहा है कि मेरे ससुर लगभग बेहोश थे, मुझे लगता है कि उस दिन मैंने उनको उठाकर कुल 2 किलोमीटर चली थी। मैं खुद को अकेला और टूटा हुआ महसूस कर रही थी। इंडियन रेलवे न्यूज़। तो दोस्तों, बदल गया इस स्पेशल ट्रेन का वक्त। तो यूपी बिहार समेत इन 4 राज्यों के लोग घर से निकलने से पहले चेक करें टाइम टेबल। तो भारतीय रेलवे ने कामाख्या एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन का जो है टाइम टेबल बदल दिया है। तो इसका जो है सीधा असर यूपी, बिहार, बंगाल और असम के यात्रियों पर पड़ेगा। अगर आप भी इस ट्रेन में यात्रा करने वाले हैं तो आपको पहले जो है कामाख्या एक्सप्रेस का नया टाइम टेबल जो है दोस्तों देख लेना चाहिए। बैंक ग्राहकों को लगा झटका, तो एटीएम से कैश निकालने के बदल गए नियम। तो दोस्तों, बैंक वसूलेंगे अब जो है ज़्यादा चार्जेस। तो RBI ने कहा है कि ग्राहकों के लिए एक जो है एटीएम के 5 बार फ्री में इस्तेमाल की सुविधा बनी रहेगी, लेकिन इसके बाद गैर वित्तीय लेन देन के लिए 6 रुपये लगेंगे। वही वित्तीय लेन देन यानी पैसे निकालने के लिए लगने वाला शुल्क 15 रुपये से बढ़ाकर 17 रुपये कर दिया गया है। बंगाल के किसानों को अब जो है हर साल मिलेंगे 10,000 रुपये। तो ममता सरकार ने कैबिनेट बैठक में दी मंजूरी। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा जो है चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने किसानों को प्रत्येक वर्ष 10,000 रुपये देने का वादा किया था।
तो आज जो है राज्य सचिवालय जो है नबार्ड में हुई ममता बनर्जी के नेतृत्व में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों को कृषक बंधु योजना के तहत प्रत्येक साल 10,000 रुपये देने का प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है। तो फिलहाल इस योजना के तहत किसानों को हर साल 5,000 रुपये मिलते थे। इसके साथ ही जो है जिनकी 1 एकड़ से कम जमीन है उन्हें 4,000 रुपये दिए जाएंगे। तो पहले उन्हें जो है दोस्तों 2,000 रुपये दिए जाते थे। तो दोस्तों रेगुलर न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।